जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग नहीं, गुड मॉर्निंग सभी को। चलो सवाल देखो, एक सवाल खूबसूरत सा आपके सामने लिखा है। जैसा कि मैंने कहा था पिछली क्लास में कि इसका जो करेक्ट क्वेश्चन बनता है वो करेक्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, और ये जो है ये सवाल आपका करेक्ट क्वेश्चन है। सवाल में आपको एक ऐसा ट्रायंगल दिया जाता है, उसके अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल होगा एस आर क्यू के नाम से और दूसरा ट्रायंगल होगा वी यू टी के नाम से। सवाल में आपको क्या बोला जाएगा? तो सवाल में आपको बोला जाएगा जो पी क्यू है वो बराबर होगा क्यू आर के, फिर वो बराबर होगा हमारे आर एस के, फिर आर एस बराबर होगा एस टी के, एस टी बराबर होगा यू टी के, यू टी बराबर होगा यू वी के, और यू वी बराबर होगा हमारा वी पी के। मतलब एक तरीके से गोल 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 गोल, पहले ऐसे चले आप, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से करके हमारा पूरा क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन सा बन जाता है। और उस केस में हमसे पूछा जाता है कि एंगल एस टी क्यू यानी इसका जो मान होगा वो कितना होगा। तो देखो अल्टरनेटली अगर हम इसमें कंसेप्ट लगाएं मेरे भाई, तो इस कंसेप्ट में हम जो काम करेंगे वो एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगाएंगे, लेकिन उतनी आवश्यकता हमें नहीं है। ऐसे सवाल जब भी आपके परीक्षा में आए तो आपको पता होना चाहिए कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है। तो आप बोलेंगे सर एक त्रिभुज यानी एक ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। और जितनी बार यहां पर बराबर जो है शब्द इस्तेमाल किया गया है, यानी जितने लोग बराबर हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लोग बराबर हैं, 7 लोग बराबर हैं, तो आपको इसको 7 से भाग कर देना है। 7 का 2 गुना 14, 7 का 5 गुना 35, 25 सही, 5/7 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप एक्सटीरियर का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है, अगर मानिए आप इसको ए मानते हैं तो इसको आपको ए मानना पड़ेगा, फिर ये वाला कोण आपका 2A हो जाएगा, फिर ये वाला कोण 2A हो जाएगा। तो फिर उस तरीके से अगर ये आपका कोण 2A है फिर यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा तो ये कोण निकलेगा, और वो लंबा चला जाएगा प्रोसेस जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कोई फायदा नहीं होगा निकालने का। तो करेक्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके मॉक टेस्ट में आए, आपके पेपर में आए, तो सीधा का सीधा कितना टिक करना है, अगर ये सातों के सातों चीजें बराबर हो तो 25 से ही 5/7 टिक करेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 जो है। हाँ आज मेरी पहली क्लास है, आपको मेरा कमेंट दिख रहा है, तो बिल्कुल आपको मेरा कमेंट दिख रहा है, मतलब मुझे आपका कमेंट दिख रहा है। अब सवाल में देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो आसान सवाल है। एसी जो है वो बीडी के पैरेलल है, आपको मान पूछा गया है, तो ये सवाल जो है ये आपको घर से करके लेके आना है, ये आपके लिए पीजीडब्ल्यू क्वेश्चन है। आज कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देंगे जो आपको घर से करके लेके आने हैं, ताकि आप भी थोड़ा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तभी फायदा होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 39 को देखो, दिए गए सवाल में बोला गया है ए बी जो है वो किसके समानांतर है, सी डी के समानांतर है, जो यू बी वाली रेखा है वो आपके डब्ल्यू एक्स के समानांतर है, एक्स एंड डी का जो मान है आपको, एक्स एंड डी का जो मान है वो 56 है, जीएमटी का मान आपको 90 दिया गया है। जीएमटी कहाँ पर है भैया, जीएमटी देखेंगे तो जीएमटी यानी ये वाला जो पूरा मान है ये 90 दिया गया है। ईटीबी का मान हमसे 32 बोला गया है, हमसे एक्स प्लस 2y प्लस जेड का मान पूछा गया है। बहुत आसान सवाल है ये भी, ठीक है, फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छी बात है। पूजा कुशवाहा, दीपक कुमार पात्रो, ये भी आपकी फर्स्ट क्लास है, कोई बहुत बात, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत शानदार बात है। तो अब ये सवाल में देखो, ये भी सवाल बनाया जा सकता है। देखो जिनकी भी फर्स्ट क्लास है वो लाइंस एंड एंगल्स की पहली क्लास से देखें, आज की क्लास वो अटेंड ना करें, इस बात को समझिए, कोई फायदा नहीं होगा। आपको लाइंस एंड एंगल से नफरत होनी शुरू हो जाएगी। आप पहले पहली क्लास को देखो, फिर दूसरी क्लास को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, फिर पांचवी को। बीच क्लास में पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है जब आपको छोटे मोटे बेसिक्स नहीं पता है। तो समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो आप जो हैं, जितने स्टूडेंट, जितने जिन्होंने कल एडमिशन लिया है, परसों एडमिशन लिया है, और जिनकी ये पहली क्लास है, उनसे हमारा खासकर अनुरोध है कि वो पहले पहली क्लासेस देखेंगे और फिर उसके बाद सीरीज से तब ये क्लासेस को देखेंगे। ठीक है, ना अपना समय बर्बाद करें और ना हमारी एनर्जी को बर्बाद करें, कोई फायदा नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए तो सवाल को आगे देखा जाए। अब ये क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, अगर पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन जो है कुछ खास दम कैरी नहीं करता है, बहुत आसान सा सवाल है और इसको बनाया जा सकता है। सवाल में देखिए, आपको बोला गया है ना क्या क्या पैरेलल है, और जीएमटी का बास मान 90 दिया गया है, एक्स 2y और जेड का मान पूछा है, तो बना लीजिए ये भी सवाल को। ठीक, जैसे जैसे सवाल में बोला गया है वैसे वैसे बना लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है बताओ। नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होगा वो आपका ट्रायंगल शुरू होगा, ठीक है,
चलिए, तो सवाल में हमसे जीएमटी का मान यानी इस पूरे का मान 90 दिया गया। अब देखो यहाँ पर ये वाली रेखा जो है यूबी वो एक्स वाई के एक्स डब्ल्यू के समानांतर है और एबी जो है वो सीडी के समानांतर है। अब जब इतनी लाइंस जो हैं वो समानांतर होंगी तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर पहले तो सभी नए बच्चों का स्वागत है हमारी क्लास में, बहुत अच्छी बात है भाई। एवरेज की कोई क्लास नहीं हुई है तो आप उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है? सभी नए बच्चों का स्वागत है। जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो कल से क्लास अटेंड करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा, आज से क्लास अटेंड ना करें। पहले आप पुरानी वीडियोस को देखिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, फिर आप क्लास 5 में एंटर करिए, ठीक है? चलिए, तो सवाल में हमसे क्या बोला गया है माई डियर? सवाल में हमसे बोला गया ये जनाब 32 हैं। अब ये 32 हैं और ये पूरे के पूरे कितने हैं? 90 हैं। तो आप बनाओ सवाल को, कैसे बना पाओगे? आप बोलोगे कि देखो भैया समानांतर है तो कंसेप्ट लगाओ समानांतर का। लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले x का मान निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है वो जरा देखो एक बार। तो यहाँ पर ये छोटू ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल किस में? ओ एस और टी में। ट्रायंगल ओ एस टी को जरा हम अलग से यहाँ ऐसे बना देते हैं। ये हमारा ओ हो गया, ये हमारा एस हो गया और ये हमारा टी हो गया। अब खुद देखिए इस वाली लाइन को कि ये वाली लाइन ऐसे क्रॉस बनाती है, क्रॉस बनाती है। यानी अगर यहाँ पर 32 है तो ये जो कोण होगा टी पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 32 बनेगा। क्यों बनेगा 32 आप बताओ? ताकि वो जो एंगल है वो बराबर हो। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपस में जब भी कोई भी दोनों ऐसा काटता है तो ये दोनों कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पर देखेंगे तो एंगल टी पर जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा? तो 32 डिग्री का बनेगा, ठीक? चलिए उसके बाद अगला देखें यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ये वाली रेखा जो है इस वाली रेखा के क्या है? समानांतर है, पैरेलल है। अब जब दो रेखाएं समानांतर होंगी यहाँ पर, ये वाला कोण हमारा 56 डिग्री का है तो ये वाला जो एंगल ओ पर जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा? 180 होता है कि नहीं होता है जोड़? एंगल ओ और एंगल एन का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। तो बोलेंगे सर यहाँ वाला कोण और यहाँ वाले कोण का जोड़ 180 है, ये जनाब 156 है, तो एंगल ओ पर जो कोण होगा वो कितने का होगा? तो यहाँ पर जो कोण होगा ये 124 का होगा। अब ये कोण 124 का है और ये कोण कितने का है? 32 डिग्री का है, तो 12 3 15 156 डिग्री का कोण हो गया। अब ये दोनों मिलाकर 156, तो ये वाला कोण कितने का होगा? तो 156 की बात करें यहाँ पर तो ये वाला कोण हमारे 24 डिग्री का हो जाएगा। एंगल एस कितना होगा? तो देखेंगे अगर आप गौर से फोटो में, तो ये वाला एंगल एस कितना होगा? 24। अगर ये 24 तो फिर यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट लग रहा है, यानी 3x का मान कितना हो जाएगा? तो 3x का मान 24 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर अब 3x का मान हमारा अगर 24 है तो एक्स का मान कितना आ गया? तो एक्स का मान हमारा 8 डिग्री आ गया। एक्स का मान कितना आ गया? 8 डिग्री आ गया। ये 56 था तो ये 124 हो गया, वो 32 था तो 32 हो गया, ये वाला कोण हमारा निकल गया, उसके चलते हमारा 3x का मान भी हमें पता चल गया। एक्स का मान कितना है हमारा? 8 है। बहुत शानदार। अब एक छोटी सी बात को आप लोग देखिए यहाँ पे, छोटी सी बात है, कोई बहुत मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक, सवाल में हमसे क्या पूछा था निकलवाने को? हमसे बोला था कि 2y और z, मतलब हमें 2y और z का भी मान पता करना है। अब यहाँ पर सवाल को आप कैसे करेंगे? ये आपका 2y है, ये आपका 3z है, पूरे का मान जो है वो 90 है, ठीक है? पूरे का मान जो है वो 90 है। अब अगर आप ये देखिए, ये वाला कोण आपका 56 है, तो आप मुझे खुद बताओ ये पूरा कोण कितने का होगा? 56 का होगा। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। 124 कैसे हुआ? आप बताओ यहाँ पर ये वाले जो कोण हैं, ये दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है? होता है कि नहीं होता है? तो 180 में से जब आप 56 को घटा देंगे तो आपको कितना आएगा बताओ? 124 नहीं आएगा? बताना जरा, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जितने भी नए स्टूडेंट हो, पहले पहली क्लास को देखो, दूसरी को देखो, ताकि प्रॉपर्टी से रूबरू हो जाओ। प्रॉपर्टी से रूबरू हो गए तो 124 कैसे आया, 91 कैसे आया, 25 कैसे आया, ये फंडामेंटल नहीं रहेगा। छोटी मोटी लाइन है समानांतर रेखाएं के ऊपर, वो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे मैं अगर बोलूँ ये वाला कोण 56 है तो ये वाला 56 होगा, तो फिर पूछोगे सर कैसे आया? अरे भाई ये देखो, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समानांतर है, तो ये कोण और ये कोण जो है ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण। तो ये चलते कितना हो जाएगा? ये 56 है तो ये भी हमारा 56 हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? ये पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा आपका 56 हो जाएगा। लेकिन क्या उस 56 से हमें कोई फायदा मिलेगा? ये पूरा कोण 90 का है और ये पूरा कोण 56 का, कोई फायदा उससे होने वाला है? जरा एक बार देखिए,
तो आप बोलेंगे कोई बात नहीं सर, आप ऐसे समझ लो ये वाला कोण आपका कितने डिग्री का है, 24 डिग्री का। गौर से देखो ये वाला कोण 3x, 3x का मान कितना आया है, 3x का मान 24। अब ये कोण आपका 24 का है और बाहर वाला कोण 56 का है, तो ये कोण कितने का होगा, क्योंकि यहां पर ये हमारा क्या है, एंगल SMN एक ट्रायंगल है, अंदर के दोनों कोणों का जोड़ बराबर बाहर के कोणों का जोड़, तो 56 में से 24 घटाओ तो ये वाला कोण निकल जाएगा, यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा हमारा, तो 32 डिग्री हो जाएगा। आप मेरी बात को समझे, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 32 डिग्री हो जाएगा। देखते चलो सवाल में कैसे एंगल निकाल रहे हैं वो देखते चलो। यहां पर हमें ये 3x दिया गया, 3x का मान 24, बाहर वाले का मान 56। अगर ये 56 है तो इन दोनों का जोड़ 56 के बराबर, यानी ये 24 है तो ये 32 के बराबर। बाह्य कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं अंदर के दोनों कोणों के, ठीक। अब उसके बाद यहां पर देखिए, चलिए ये हमारा 32 डिग्री हो गया, ठीक है। अब उसके बाद सवाल में हमसे बोला गया, देखो ये भी हमारा 56 है, तो खुद सोचो ये पूरा का पूरा कोण कितना होगा, तो 56 होगा। या आप ऐसे नहीं सोच सकते, तो ये वाली रेखा इसके समानांतर है, अगर ये कोण 24 के है और ये ट्रांसवर्सल है, तीयक रेखा है, तो ये भी कोण कितना हो जाएगी, तो ये भी कोण 24 के हो जाएगी। तीयक रेखा के कारण जब भी दो समानांतर रेखाएं होती हैं और एक तीयक रेखा इनको काटती है, तो ये वाले कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ट्रांसवर्सल्स बराबर होते हैं। ये 24 है तो हमारा ये वाला भी कौन 24। सवाल में इस पूरे का मान 90 दिया गया है, यानी इधर वाला पोर्शन अगर 24 है तो इधर वाला पोर्शन कितना होगा, खुद बता दो। तो बोलोगे सर 66 होगा। कैसे, 90 में से आप जो है कितने को घटा दीजिए, 24 को घटा दीजिए, तो 90 में से 24 को घटाएंगे तो आपको 66 आएगा कि नहीं आएगा, खुद बताओ। यानी ये जो तीन जेड है, इस तीन जेड का मान कितना है, तो तीन जेड का मान हमारा आ जाएगा 66 डिग्री। तो जेड का मान हमारा कितना आ जाएगा, जेड का मान हमारा 22 डिग्री आ जाएगा। हमें एक्स का मान पता चल गया, हमें जेड का मान पता चल गया, अब हमें चाहिए भैया वाई का मान। y का भी मान पता कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, नहीं है कोई समस्या। तो एक बार इधर मिटा देते हैं, देखो ये 66 हो गया, ये 24 हो गया, हर कुछ सवाल में दिया गया है। अब देखेंगे जरा यहाँ पर गौर से सवाल में, तो यहाँ पर जो है हमारा ये मान कितना है, तो ये वाला मान जो है 24 और ये हमारा हो गया 56। अब खुद सोचो अगर ये वाला कोण 56 है और ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समानांतर है, तो ये 56 है तो यहाँ पर भी ये कितना होगा, 56 होगा, होगा कि नहीं होगा, मेरा बात बताओ, होगा 56 होगा, 56 होगा। अगर ये 56 होगा तो वर्टिकली ये भी 56, या वैसे कह सकते हो कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समानांतर है। अगर ये वाला कोण 56 का है तो अंदर वाला भी कितना होगा, 56 होगा, यानी अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा, 56। अब एक त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें 56 अकेला ये कोण है, तो 2y और 3z का जो मान होगा, यानी 2y जमा 3z, 2y और 3z का जो मान होगा वो कितना होगा, तो बोलेंगे सर 2y और 3z का जो मान होगा, खुद देखो ये 56 है और पूरे का 180 होता है, तो 180 में से 56 घटाओ यानी कितना आएगा, 124। इनका मान कितना होगा, 124। जेड का मान कितना है, 22 है, तो 22 का 3 गुना 66, तो वहां पर ले जाके 124 में से कितना घटा दो, 66 घटा दो। 14 से 6 गया तो 8 हो जाएगा, और 11 से 6 गया तो 5 हो जाएगा। ये 2y का मान है, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान हमारा 29 डिग्री आ जाएगा। x का मान पता चल गया, y का मान पता चल गया, z का मान पता चल गया। अब उसके बाद सवाल में हमसे बोला है x प्लस 2y, x का मान कितना है, तो 8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हमारा 8 हो गया, ठीक। उसके बाद y का मान कितना है, तो y का मान हमारा 29 है, हमसे बोला गया है 2y यानी 58 लेने को, और फिर उसके बाद बोला गया है जेड लेने को, जेड का मान कितना है, तो 22 है, तो यहाँ पर आप 22 लिखेंगे। भाग करना है किसके साथ, 8 के साथ, 50 20 70 10 80 80 8 78, 78 को जब आप 8 के साथ भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा बताइए, सॉरी 78 नहीं आएगा, 50 20 70 80 88, 88/8 आपका कितना हो जाएगा, तो 88/8 आपका 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़िया सवाल आते हैं, मेंस लेवल का ये सवाल है और बढ़िया क्वेश्चन है, जहां पर आपके समय को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन ये सवाल आप तब बना पाएंगे जब आपको हर उस कोण के बारे में पूर्ण तरीके से पता होगा। आपको ये पता होगा कि करस्पॉन्डिंग कहाँ लगाना है, आपको ये पता होगा को इंटीरियर कहाँ लगाना है, आपको ये पता होगा अतिरिक्त कोण यानी ऑल्टरनेट एंगल कहाँ लगाना है, तो सवाल को बड़े खूबसूरत तरीके से आप बना पाएंगे, ठीक है। फिर से दोबारा से हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, देखो ये वाला कोण अगर 56 है
तो जाहिर सी बात है ये वाला कोण 124 होगा। क्यों 124 होगा? क्योंकि इनके जोड़ सप्लीमेंट्री होते हैं, संपूरक होते हैं। तो ये 124, ये 124 और वर्टिकली अपोजिट के कारण यहाँ 32, तो एस पर जो कोण बनेगा वो एस पर 24 का कोण बनेगा, यानी ये जो 3x है वो 24 के बराबर, तो एक्स का मान हमारा 8 आ जाएगा। अब ये कोण 24 है हमारा और ये 56 है, तो ये वाला कोण कितने का होगा? तो 56 में से 24 घटा दो यानी 32 डिग्री। अब ये वाला कोण जनाब हमारा 32 डिग्री है, ये 56 है तो ये भी पूरा 56 होगा, तो ये 32 हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक है, पूरा कोण हमारा 90 का है, तो 3 जड़ का जो मान आएगा आप उसमें से घटा दो यानी 66, तो जड़ का मान 22 आ जाएगा। अब यहां पर हमें पता है कि ये जनाब अगर 56 है मान लीजिए, या ऐसे कर लो कि ये 56 है, तो आप ऐसा कह सकते हो ये भी 56 है एक्सटीरियर के प्रॉपर्टी के कारण। तो 3 जड़ और 2y का मान 124 आ जाएगा, 124 आ गया तो वहां से y का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए सारे सवाल सेकेंडों में नहीं बनाने होते हैं, ठीक है, कि सारे सवाल जो है वो सेकेंडों में बना दिए हमने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, बोला गया है तीन स्ट्रेट लाइन है, एक्स है, वाई है और जेड है, और बोला गया है कि ये सभी के सभी क्या हैं आपको? तो पैरेलल हैं। ठीक है, तीन स्ट्रेट लाइन एक्स वाई जेड आर पैरेलल, और एंगल जो है वो दिया गया है, तो आपसे एंगल ए एफ बी का मान पूछा गया है कि एंगल ए एफ बी का मान कितना होगा, यानी ये वाले कोण का मान कितना होगा। इस सवाल में मुझे नहीं लगता है कोई दम है, ये आप आराम से बना सकते हैं, आप आराम से सवाल को बना सकते हैं अगर आप देखें तो। ठीक है, फिर भी चलिए थोड़ा बहुत एक टफ क्वेश्चन से सामना हुआ है तो एक आसान सवाल थोड़ा सा हम लोग बनाना शुरू करें। सवाल में देखिए माय डियर, बहुत आसान क्वेश्चन है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक, बिल्कुल सवाल पे परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, और सवाल को देखिए एकदम हलवा क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं कि सर इससे हलवा क्वेश्चन तो हमने अपने जीवन में नहीं देखा, ये इतना आसान क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन टाइम टेकिंग था, देखो एक आधा क्वेश्चन टाइम टेकिंग तो मैं शीट में डालूंगा ही डालूंगा, ताकि थोड़ा सा आपका समय जो है वो बर्बाद हो कैलकुलेशन करने में, बुद्धि लगाने में, क्योंकि अगर एक आधा क्वेश्चन भी आप टफ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बताइए शेरशाह की तरह जो है आप कैसे मजबूत होंगे, नहीं हो पाएंगे ना। ठीक है, सिर्फ सोचोगे कि चाकू से लड़ाई करनी है तो गोली खाने का असर का कैसे पता चलेगा, तो थोड़ी सी चीजों का ध्यान दिया करो यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को सशक्त बनाइए बढ़िया तरीके से। अब सवाल में देखिए तो आपको बोला गया ये वाला कोण 125 है माय डियर। अब ये कोण 125 है तो आप खुद देखो, ये कोण अगर 25 है और ये वाली रेखा इसके समानांतर है तो ये 125, तो ये पूरा कितना होगा? ये भी 125 होगा। आपको हमने कहा था कि जहां पर भी ऐसा जेड बनता दिखे तो ये कोण अगर 60 है तो ये भी 60 होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण, समझ गए मेरी बात को? तो ये 125 तो इस पूरे को होना पड़ेगा 125, और 125 में ये 30 है तो ये वाला कोण कितने का होगा? तो ये वाला कोण हमारा 95 का होगा। कितने का होगा? तो 95 का हमारा ये एंगल हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? आपको सवाल में पता क्या करना है? तो एंगल ए एफ बी पता करना है, मतलब आपको ये वाला कोण पता करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, समझ में मेरी बात आ गई है? अब खुद आप देखो तो ये वाला जो कोण है ये आपका 80 डिग्री है और ये वर्टिकली अपोजिट है। अगर ये 80 है तो ये भी कितना होगा? 80 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल 80 डिग्री होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। जहां पर भी एक्स बने तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। अब प्यारी प्यारी अपनी आंखें और निगाहें दोनों जो हैं, जो निगाहें बोलते हैं वो निगाहें देखें, जो आंखें बोलते हैं वो आंखें दौड़ाएं, और सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, आप इस वाले ट्रायंगल पर अपने प्यारी सी आंखों को टिका के रखिए, एंगल सी एफ और बी पे। ये एंगल सी एफ बी है जनाब की नहीं है, बताओ? तो ये एंगल सी एफ बी पे अगर आप देखोगे तो अंदर वाले दोनों कोण, अंदर वाले दोनों कोण बाहर वाले कोण के बराबर होता है कि नहीं होता है? तो बोलोगे हाँ सर, अंदर के दोनों कोण बाहर वाले कोण के बराबर, यानी 80 और जमा थीटा जो है वो बराबर होगा किसके? 95 के। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 45 डिग्री कहां से होगा ये बात बताना जरा हमको। 9 3 12 125, वो 125 तो ये 125, 80 है तो 80 होगा, कहां से 45 बता पाओगे? एंगल ए एफ बी का मान पूछा गया है, 15 डिग्री आंसर होगा। घर से लेके आओगे क्या 45? हैं, घर से लाएंगे 45 जब है 15? तो बताइए, इतना आसान सवाल है इसमें 45 बता रहे हैं बच्चे। चलो आ जाओ, धमका दिया आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब क्वेश्चन देखो कॉम्प्लीमेंट,
कॉम्प्लीमेंट जानते हैं क्या होता है और सप्लीमेंट जानते हैं कि नहीं जानते हैं? परिभाषा पढ़े हैं ना कि कोई भी दो कोण कॉम्प्लीमेंट्री कब होती है? जब उनका जोड़ 90 होता है। और सप्लीमेंट्री कब होती है? जब उनका जोड़ 180 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री में बड़े अच्छे तरीके से हमने आपको बातें समझाई थी कि देखो, अगर मानो 20 डिग्री दिया गया है और 20 डिग्री का हमसे पूछा है पूरक कोण कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 20 डिग्री का पूरक एक ऐसी संख्या होगी, कितना हम इसमें जोड़े सर, कितना हम इसमें जोड़े कि ये कितना बना दे, 90 बना दे। तो 20 में कितना जोड़ने पर 90 बनता है, यानी आप बोलोगे थीटा। यानी अगर ये 20 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 70 होगा। 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो 10 डिग्री में कितना जोड़ने पर 90 आएगा, तो 80। यानी 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरा कोण 80 होगा। और 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो 10 होगा। उसी तरीके से आपको 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो 70 होगा। 25 डिग्री आपको दिया जाएगा तो उसका कितना होगा, तो 65 होगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री वो कहते हैं, अगर मानो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पता करना है तो मुझे 90 से घटा दो, मेरा पूरक कोण पता करना है तो मुझे क्या करो, 90 से घटा दो, वो मेरा पूरक कोण हो जाएगा। तो किसी भी कोण का पूरक कोण अगर पता करना होता है तो उसमें से क्या करेंगे, 90 को घटा देंगे। अब देखो, आपका एग्जामिनर ये बात जानता है कि हमारे गोलू मोलू जो लोग हैं उनको अच्छे से पता है कॉम्प्लीमेंट्री निकालना। तो बोलता है गोलू मोलू को हम परेशान कैसे करें, तो वह ऐसे परेशान करता है, वो बोलता है देखो आपको एंगल नहीं देगा, वो आपको बोलेगा कि बताओ, ठीक है, वो आपको बोलेगा कि बताओ π/3 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना है। अब लो ये π/3 कहाँ से आ गया, लो एंगल में बदलने का झंझट आ गया। अगर आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री ना देगा तो आपको बोलेगा कि एक काम करो 37 डिग्री और 11 मिनट इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ। अब बोलोगे यार ये तो एक अलग ही लफड़ा हो गया, मतलब हम सर पढ़ाए थे 20 डिग्री 30 डिग्री, यहाँ π/3 और 37 11 दे रहा है। तो भाई ठीक है, कंसेप्ट तो सेम ही होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, किसी भी कोण का कॉम्प्लीमेंट्री पता करना है तो उसको 90 से घटाना है, और किसी भी कोण का सप्लीमेंट्री यानी समपूरक पता करना है तो 180 से घटाना है। ये बात क्लियर है? तो आपको सबसे पहले एक रिलेशन समझना पड़ेगा, दो बातें समझनी पड़ेंगी, तब आप हर तरह के कोण बना पाओगे। जैसे आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जो पाई होता है वो कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के। ये बात क्लियर होना पड़ेगा। ये पाई क्या होता है भाई, तो पाई जो होता है वो रेडियन में होता है। पाई को हम कहते हैं पाई रेडियन है, और पाई रेडियन कितने के बराबर है, तो 180 डिग्री के बराबर। पाई जो रेडियन है वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक, पाई जो है वो कितने के बराबर, 180 के बराबर। कल के दिन अगर आप दोनों का आधा करते हैं तो बोलेंगे अगर पाई का आधा कितना है, तो π/2, तो 180 का भी आधा हो जाएगा यानी 90 हो जाएगा। अगर आप पाई को एक तिहाई करते हैं, 3 से भाग करते हैं, तो पाई तो π/3 बन गया, लेकिन 180 क्या बन गया, तो 180 आपको 60 डिग्री बन गया। कन्वर्जन का पता होना बहुत जरूरी है। कन्वर्जन का पता नहीं होगा तो हर जगह पे जाके ट्रबल होगा। जैसे कल के दिन मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ कि 2π/7 जो है, 2π/7 डिग्री में कितना है, डिग्री में बताओ। 2π/7 डिग्री में कितना है, डिग्री में बताओ। अब डिग्री में पता होने के लिए क्या होगा, तो आप बोलोगे देखो सर बात ऐसी है, पाई जो है वो कितने के बराबर है, पाई 180 डिग्री के बराबर है। देखते चलेंगे, हमें पूछा गया है कि 2π/7 जो है वो कितना होगा डिग्री में, तो आप बोलेंगे सर पाई कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर। ठीक, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 बटे पाई हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं, 1 के जगह पे हमें कितना का बताना है, 2π/7 का, तो इसको कितने से गुना करेंगे, 2π/7 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, अगर 3π/7 का बताना होता, 3π/7 के साथ, 5π/7 का बताना होगा उसके साथ, पाई से हमारा पाई खत्म हो जाएगा, 180 को 2 के साथ गुना करो, 360/7 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब आपको जितना भी कन्वर्ट आपका एग्जामिनर करवाना चाहता है, कल के दिन वो आपसे ये पूछना चाहता है बताओ 5π/11 का मान कितना होगा, 5π/11 का मान कितना होगा, आप सिंपल बोलेंगे भैया देखो पाई बराबर होता है 180, 1 का बराबर हो जाएगा 180/π। ठीक है, 1 का बराबर हो जाएगा 180/π, हमें तो 5π/11 का पता करना है, तो हम यहाँ पर 5π/11 का गुना करेंगे, पाई से हमारा पाई खत्म, 18 का 5 गुना यानी 900/11 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो सवाल रेडियन में था उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, तो देखो बहुत लोग रटाते भी हैं कि पाई को रेडियन में बदलना है तो इतने से गुना कर लो, रेडियन को इतने में करना है इतने से भाग कर लो। मैं आपको कुछ भी नहीं रटा रहा, मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ आप ये काम करो। ठीक है, कल के दिन रिवर्स भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बताओ 30 डिग्री है तो वो रेडियन में कितना होगा ये बता दो।
दो, तो रेडियन में कितना होगा ये बता दो। आप सेम तरीके से हमेशा ध्यान रखो यहाँ पे कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अगर पाई का मान 180 डिग्री है या 180 डिग्री का मान पाई है, तो एक डिग्री का मान कितना होगा, तो एक डिग्री का मान पाई बटे 180 होगा, होगा कि नहीं होगा। एक डिग्री का मान कितना होगा, तो पाई बटे 180 डिग्री। हमें एक डिग्री का थोड़ी पता करना है, हमें तो 30 डिग्री का पता करना है। यानी अगर हम 30 डिग्री का मान निकालने जाएं तो बोलेंगे देखो भैया पाई बटे 180 है, इसको हमें कितने से गुना करना पड़ेगा, 30 के साथ। ये एक डिग्री का मान है, 30 डिग्री का पता करना है, 30 के साथ गुना करो। 50 डिग्री का पता करना है, 50 के साथ करो। 70 का पता करना है, 70 के साथ। हमें तो बस 30 के साथ गुना करना था, 30 से इसको काटे तो 6 बार में कटा, यानी पाई बाई 6। तो आप यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि 30 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, पाई बटे 6 के बराबर है। एक बार सर कमेंट दिखाइए थोड़ा, क्लियर हो गया, पाई बाई 6, पाई बाई 6 हो गया सर, ठीक है, बहुत अच्छे। तो डिग्री से बदलना है, जैसे कल के दिन मान लो यहां पर कि हमें दे दिया 100 डिग्री, और ये 100 डिग्री जो है वो रेडियन में कितना होगा ये बता दो। तो भैया पाई को रेडियन में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करोगे, सेम तरीके से बोलोगे कि सर पाई जो होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर, यानी एक डिग्री का मान जो हो गया वो हो गया हमारा पाई बटे 180। अब अगर एक डिग्री का मान इतना है, हमें तो 100 डिग्री का पता करना है, तो इसको हम किसके साथ गुना कर देंगे, 100 के साथ गुना कर देंगे। 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, आ जाएगा 5π/9, ठीक है। तो कन्वर्जन ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा बता दो, रहेगा, ठीक है। चलो अब देखो दूसरा सवाल, दूसरी बात, ठीक है। एक डिग्री में क्या होता है, ठीक, और एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं। तो आप बोलोगे सर एक डिग्री में हमेशा 60 मिनट होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे मान लो आपको यहां पर ऐसा कोण दिया जाता है, जैसे मान लो मैंने कहा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, आप 59 डिग्री और 60 मिनट लिख सकते हो। मिनट के लिए आप क्या लगाते हैं, तो एक डॉट लगाते हैं, मिनट के लिए क्या लगाते हैं, तो एक डॉट लगाते हैं, आपको ऐसे भी दिया जाएगा, ठीक है। देखो सवाल को मैं चाहता हूं कि आपको मैं टफे से टफेस्ट लेवल सिखा सकूं, क्योंकि फायदा क्या फिर ज्योमेट्री को जब आप सबसे महत्वपूर्ण और सबसे हाई लेवल तक कभी ना सीख पाए। तो ज्योमेट्री है ही मजेदार, तो उसको हाई लेवल तक सीखना है। 60 डिग्री को ऐसे भी लिखा जाता है, जिनको आज तक ये बात नहीं पता थी वो नोट कर लेंगे। अगर मुझे मान लो 30 डिग्री को लिखना है, तो 30 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 30 डिग्री को मैं ये लिख सकता हूँ 29 डिग्री 60 मिनट, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 28 डिग्री, और एक डिग्री का मान होता है 60 मिनट, तो 2 डिग्री की कमी है, 2 डिग्री का मतलब 120 मिनट, ठीक है। या फिर मैं इसको अगर 27 डिग्री लिखूंगा, तो कितने की कमी है, 3 डिग्री की। एक डिग्री का मान 60 मिनट, तो 3 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 180 मिनट, ये भी कह सकते हैं। तो आप चाहो तो इसमें कुछ भी कह सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक। लेकिन जरूरत कहां पड़ती है, जैसे मानो कल के दिन मैंने आपको कह दिया कि 58 डिग्री है और 23 मिनट है, इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि ये हमारा 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मान लो 58 डिग्री 23 मिनट में हम कितना जोड़ेंगे कि ये हमारे 60 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो आप खुद बताओ यहां पर आप थीटा का मान क्या लेना पसंद करेंगे, क्या लेंगे थीटा का मान जिसके चलते ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर थीटा का मान जो आएगा वो आएगा 60 डिग्री में से कितना घटाना है, तो 60 डिग्री में से 58 डिग्री 23 मिनट घटाना है, 58 डिग्री 23 मिनट घटाना है। अब बहुत बच्चे यहाँ घटाने में जो है वो क्या करते हैं, गलती करते हैं, उनको लगता है यार घटाए तो घटाए कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मानो होता नहीं है दशमलव का घटाव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर कल के दिन मैं कह दूं कि 58 में से 48.07 घटा दीजिए, तो आप हो जाते हैं परेशान। बहुत बच्चे बना लेते हैं और बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं अच्छा 58 है तो 58 लिखो, दशमलव लगाओ और 00 लिखो। आप 58 को लिखते हो ना 58.00, और फिर उसके बाद उसमें से कितना घटाते हो, तो 48.07 को घटाते हो, तो बोलते हो कि 10 में से 7 गया तो कितना आएगा, 10 में से 7 गया तो 3 आएगा, ठीक है। फिर 9 में से आपका गया तो आप बोलते हो सर 9 आएगा, और 17 में से 8 गया तो 9 आएगा, और ये खत्म 9.93। उत्तर देते हैं कब देते हैं, दशमलव में। लेकिन अगर मुझे यहाँ इसको घटाना होगा तो मैं इसको कैसे उत्तर दूंगा, खुद सोचो यहाँ पर। तो कल के दिन अगर मुझे मान लो यहाँ पर 60 में से इतना घटाना है, तो मैंने कहा 60 डिग्री है और इसमें से कितने की घटाव करनी है, तो 60 में से मुझे 58.93
दो तीन की घटाव करनी है। आप ऐसे ही लिखोगे, दशमलव का कंसेप्ट यहाँ लगा दोगे तो बोलोगे ठीक है, जैसे 58 को 58.00 लिखते थे तो यहाँ पर भी उसको उसी तरीके से लिखेंगे। फिर बच्चा क्या करता है, यहाँ कर देता है -10 में से 3 गया तो 7 आ गया, और यहाँ पर आपका 9 में से 2 गया तो 7 आ गया, 9 में से 8 गया तो 1 आ गया, 1.77 उत्तर आता है। और अभी बहुतों के कमेंट में भी 1.77 उत्तर आ रहे हैं। बस यहीं पर आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है, और ये गलती आपको नहीं करनी होती, ये गलती आपको माय डियर नहीं करनी होती है, इस बात का ध्यान रखो। आपको ऐसे नहीं घटाना होता है। आप दशमलव का भाग यहाँ या दशमलव में से माइनस नहीं कर रहे हैं, इस बात को समझिए। आप बिल्कुल दशमलव से माइनस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो हमने देखो छोटी छोटी बातें हमने आपको समझाई हैं। आप जो यहाँ माइनस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वो देखिए, आप 60 डिग्री में से आप इतने डिग्री को घटा रहे हैं, तो 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 60 डिग्री को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि ये 59 डिग्री, ठीक है, 60 मिनट है, 59 डिग्री और 60 मिनट है। और कितना घटाना है, तो हमें घटाना है 58 डिग्री को 23 मिनट को, 58 डिग्री 23 मिनट को। अब घटाओ, 60 में से 23 घटाओगे तो आ जाएगा 37, 59 में से 1 घटाओगे यानी 1 डिग्री 37 मिनट, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा 1 डिग्री 37 मिनट, ये क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा है मेरी बात को। जैसे मानिए अगर कल के दिन हम आपको ये बोलते हैं कि 50 डिग्री में से आपको घटाना है 45 डिग्री 23 मिनट, 45 डिग्री 23 मिनट आप क्या घटाएंगे, तो आप 50 डिग्री को क्या लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये 50 डिग्री है ना, 50 डिग्री को हम लिखेंगे 49 डिग्री और 60 मिनट, 49 डिग्री और 60 मिनट। अब घटाओ, 60 में से 23 जाएगा तो हो जाएगा आपका 37, और आपका जो है 49 में से 45 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 4 डिग्री 37 मिनट, सीधा का सीधा आंसर। ठीक है, 4 डिग्री 37 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को आप या नहीं समझ रहे हैं, बताइए। ठीक है, अभी सिंह कहते हैं सर आई विल सी योर, मैंने आप सारी वीडियोस में आपकी देखता हूँ, मेरे सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं और किरण के सारे क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब जो है इतना डिग्री और रेडियन का जो कंसेप्ट जाना वो हमने क्यों जाना, तो हम जानेंगे उनको ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, आपसे इसमें क्या पूछा गया है, तो आपसे इसमें बोला गया है कि बताओ 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, पूरा कोण कितना होगा। तो 70 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि वो पूरा हो जाएगा यानी वो 90 बन जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 70 में हमें 20 जोड़ना पड़ेगा, तो 20 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। 70 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 20 डिग्री। लेकिन भाई ऑप्शन में कहीं पर भी आपको डिग्री में दिया गया है, ऑप्शन में तो आपको रेडियन में दिया गया है। अब ऑप्शन में रेडियन में अगर दिया गया है तो आप सवाल कैसे बनाओगे, क्या रेडियन में बनाओगे, तो बिल्कुल कन्वर्ट करेंगे। हम बोलेंगे कि देखो सर पाई बराबर होता है हमारा 180 डिग्री के, या 180 डिग्री बराबर है पाई के, तो 1 डिग्री जो होगा वो कितने के बराबर, तो पाई बटे 180 के बराबर। ठीक है, ये हमारा 1 डिग्री का मान है, हमें कितने डिग्री का मान बताना है, 20 डिग्री का। तो अगर 1 डिग्री का मान इतना है तो 20 डिग्री का बताने के लिए क्या करेंगे, इसको 20 के साथ गुणा करेंगे, 20 से ये 9 बार में कटेगा तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, π/9। π/9 कहीं आपको दिख रहा है तो बोलेंगे हाँ सर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो सी है, कहो ना प्यार है, वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, 70 का कॉम्प्लीमेंट होता है 20, और 20 को हमें किस में बताना है, हमें रेडियन में बताना है। जैसे अगला सवाल देखिए, अब अगला सवाल आपको पूछेगा 30 डिग्री 20 मिनट का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। 30 डिग्री 20 मिनट का क्या होगा मेरे भाई, कॉम्प्लीमेंटली पूछा है, पूरा कोण पूछा है। तो बताओ पूरा कोण क्या होता है, अगर मैं सिंपल 30 डिग्री का पूरा कोण आपसे पूछता तो आप बोलते सर 60 डिग्री उत्तर होगा। ठीक है, मैंने आपसे पूछा है 30 डिग्री 20 मिनट का पूरा कोण, आप कैसे बताएंगे, तो बोलेंगे किसी का भी अगर पूरा कोण बताना है तो इसको किससे भाग करो, इसको 90 से कम कर दो, 90 से इसको घटा दो, यानी हमें जो है 90 मिनट, 90 डिग्री में से कितना घटाना है, तो 90 डिग्री में से हमें 30 डिग्री 20 मिनट घटाना है। जैसे मानो अगर 30 होता है तो 90 में से घटाते हैं, 40 होता है तो 90 से घटाते हैं, हमें इतना क्या करना है, घटाना है। अब 90 डिग्री से डिग्री को तो घटा देंगे, लेकिन ये मिनट फंडामेंटल बच जाएगा, तो क्या करो यहां पर इस 90 को बदलो, 90 को किस में बदलो, तो मिनट में, तो 90 में से एक कम कर दो तो हो जाएगा ये 89 डिग्री, और जो 1 डिग्री था वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा 60, क्योंकि आपको पता है कि आप 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो 90 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 में से एक कम करिए तो 89 डिग्री, और जो 1 डिग्री
डिग्री है वो 60 मिनट में बदल जाएगा, बदल गया यहाँ पर। अब 60 में से 20 घटाओ तो कितना आएगा, 40 मिनट है, मिनट है तो मिनट होगा। 89 में से 30 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। तो 59:40 जो होगा वो क्या होगा, 59:40 हमारा आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई इसमें हम कितना जोड़ें, इसमें हम कितना जोड़ें कि वो 90 बन जाए। तो 20 में 40 जोड़ोगे तो वो 60 हो जाएगा, 60 का मतलब 1 डिग्री हो गया। और 30 में 59 को जोड़ोगे तो 89, 89 डिग्री और 1 डिग्री 90 डिग्री बना दे रहा है, बात खत्म। सिंपल सा बात है यहाँ पे, और कोई तो सवाल है ही नहीं, हमसे पूछा ही नहीं है कुछ और, ठीक है। तो आंसर होगा बी फॉर बाहुबली जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43, सवाल में क्या बोला गया है, बोला गया है यदि एक कोण की भुजाएं क्रमशः दूसरे कोण की भुजाओं के समानांतर हैं तो दो कोण क्या होंगे। बोला गया है जैसे मानो एक कोण की भुजाएं आर फॉर्म वन एंगल आर रेस्पेक्टिवली, मान लो ये एक लाइन है और ये लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, ये जो लाइन है किसी कोण का भुजा है, मान लो ये इस कोण का भुजा है और ये रेखा को मान लो कि ये किसी और कोण का भुजा है। सवाल में बोला गया है कि आर्म ऑफ वन एंगल एक कोण की भुजा, ठीक है, समानांतर है दूसरे कोण के भुजा के, ठीक है, तो जो दोनों एंगल होंगे वो क्या होंगे। या ऐसे भी कहा जा सकता है ऐसे ना करके, मान लो कि यहाँ पर ऐसे बातें बोली गई थी, ठीक है, ये आपके दो लाइनें दिए गए थे, ये आपका एक कोण है थीटा बन रहा है और ये आपका कोण है फाई बन रहा है, और बोला गया है इस वाले कोण की भुजा इस वाले कोणों के भुजा के क्या है, समानांतर हैं। तो बोला गया है ये जो दोनों एंगल्स होंगे, ये दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या बनेगा, दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या बनेगा। अगर ऐसे भी नहीं बनाना चाहते हो तो आप इसको थोड़ा पलटी भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि देखो भैया आप इसको सिंपल क्या करो, आप दो लाइनें खींच दो, दो लाइनें खींचने के बाद आपसे बोला गया है कि ये वाला थीटा है मान लो और ये वाला आपका फाई है, और बोला गया है ये वाला जो लाइन है इस वाले लाइन के क्या है, समानांतर है, और इसका कोण ये है, इसका कोण यहाँ पर ये है, तो उस केस में आपसे पूछा गया है ये जो दोनों कोण होंगे वो क्या होंगे और क्या क्या। तो क्या दोनों कोण जो होंगे वो बराबर, पहली बात, नाइदर इक्वल नॉर सप्लीमेंट्री, ना ही तो ये दोनों कोण बराबर होंगे और ना ही इनका कोण का जोड़ 180 होगा। क्या ये संभव है, बिल्कुल भी नहीं। हम ये बात जानते हैं कि जब भी दो रेखाएं समानांतर होती हैं तो इन दोनों का जोड़ कितना होता है, इन दोनों का जोड़ 180 होता है, और जरूरी नहीं है कि ये बराबर हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा होता, बस इनका जोड़ 180 होता है। अगर ये 30 है तो ये 150 होगा, किससे, तो यहां पर ये को इंटीरियर एंगल से हो जाते हैं, ठीक है, को इंटीरियर एंगल से क्या होते हैं, आपको अंदर के दोनों कोनों के जोड़ का बराबर। देखिए हम आपको प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं बहुत बार, और दोबारा से भी प्रॉपर्टी को एक बार अपनी शीट में देख लो, जब आप को इंटीरियर एंगल पढ़ोगे तो को इंटीरियर एंगल में यही तो बात बताया गया था कि दो रेखाएं समानांतर होती हैं और उनके द्वारा बना गया कोण उनके आपस में कितना होता है, तो 180 होता है, ठीक है। हर बात मैंने आपको समझाया था कि एडजेसेंट कोण क्या होता है, तो एडजेसेंट कोण का मतलब होता है आसन कोण, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक कोण, कब होते हैं, जब उनका जोड़ 90 होता है। फिर आपको सप्लीमेंट्री पढ़ाया था समपूरक कोण, कि उनका जोड़ अगर 180 हो तो उनको सप्लीमेंट्री कहते हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन, लीनियर पेयन कोरंग की रेखीय एकम, सब बातें बताई थी। एक एक चीज आपको थ्योरी में बार बार रिवाइज करना है तो आपको फायदा होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट के बाद कौन सा एंगल पढ़ा था आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। करस्पॉन्डिंग में क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग में ये लोग बराबर होते हैं, जैसे एक वाला 5 के बराबर, दो वाला 6 के बराबर, ये संगति में रहते हैं, इसीलिए संगत क्या होती है, बराबरी लेकर आती है। ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, ये सभी बातें आपने पढ़ रखी है। ऑल्टरनेट के बाद जो पढ़ा था कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर यानी को इंटीरियर एंगल, क्रमागत आंतरिक कोण, जिनका कोण कितना होता है 180। जब दो रेखाएं समान होती हैं तो अंदर के दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 होता है। यही बात आपको थ्योरी में क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इतना आपको परेशान नहीं होना है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखो। थ्योरी जितना क्लियर रहेगा तो हर तरह के सवाल आप बना पाओगे, और थ्योरी ही अगर आपके क्लियर नहीं है तो सवाल बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फिर आपको कोई भी पढ़ा दे, किसी भी किताब से पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि थ्योरी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो सवाल में वही बात बोला गया, यदि एक कोण की भुजाएं क्रमशः दूसरे कोण की भुजाओं के समानांतर हैं तो दोनों कोण ना तो बराबर है ना ही पूरक है, ये ऑप्शन होगा सही,
तो ये सही नहीं होगा। दूसरा देखो, वो कौन बराबर नहीं होंगे लेकिन सप्लीमेंट्री होंगे, ना तो बराबर हैं लेकिन पूरक हैं। हाँ भैया ये सही है, जरूरी नहीं है ये दोनों कोण बराबर हों लेकिन पूरक जरूर होंगे। आंतरिक कोणों का जोड़ कितना होगा, तो यहाँ पर 180 होगा। ऑप्शन सी देखो, इक्वल तो होंगे लेकिन सप्लीमेंट्री, ऐसा कभी कहा गया ये दोनों बराबर होंगे लेकिन कोण 180 का नहीं होगा, ये गलत है। और बोला गया है या तो बराबर होंगे नहीं तो सप्लीमेंट्री, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सप्लीमेंट्री के साथ और लगे, सप्लीमेंट्री यहां पर एकदम मैंडेटरी कंडीशन है और वो मैंडेटरी रहेगा। ये हर केस में ये दोनों का कोण का जोड़ जो है वो संपूरक था, संपूरक है, संपूरक रहेगा। बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मानो यहां पर मैंने कही ये दो रेखाएं हैं और ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं, तो समानांतर हैं। अब ये दोनों रेखाएं आपस में अगर समानांतर हैं तो ये भी 90 हो सकता है और ये भी 90 हो सकता है, तो उस केस में क्या हो जाएंगे, ये बराबर भी हो जाएंगे और 180 भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है यहां पर। अब ये मान लो कल के दिन 70 डिग्री हमने कर दिया, तो ये आपको कितना होगा, 110 डिग्री होना पड़ेगा। ये 100% कंडीशन फिक्स है कि इनका जोड़ 180 होगा और 100% सप्लीमेंट्री एक ही चीज पर है, वो हमारा ऑप्शन नंबर बी। बाकी के सारे क्या हैं, तो गलत हैं। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44 में आ जाइए। हाँ, संगत कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बहुत शानदार बात है। 180 डिग्री जो होता है वो संपूरक होता है और 90 डिग्री जो होता है वो होता है पूरक कोण, यानी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, चलिए सवाल में यहां पर क्या दिया गया, संपूरक नहीं दिया गया क्या, हिंदी में संपूरक होगा, हिंदी करेक्ट कर लो, यहां पर संपूरक होगा, यहां पर हिंदी जो है ये काटो, यहां पर संपूरक। थोड़ी बहुत जो है वो गलती है, जब आपको पता है हिंदी में गलती होती है तो इंग्लिश को मान्यता दी जाती है कि उसका इंग्लिश जो है वो सही होगा। ठीक है, उसका इंग्लिश जो है वो सही होगा। ठीक, चलो आ जाओ प्रश्न संख्या 44 को देख लो। 44 में क्या बोला गया है, बोला गया है किसी एक कोण का मान उसके कोटिपूर्ण कोण से 18 डिग्री कम है, तो कोण का मान ज्ञात करें। इंग्लिश में बोला गया है, ठीक है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 18 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोटिपूरक भी कह सकते हो या कोटिपूरक ना कह के कॉम्प्लीमेंट्री पूरक भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि एक कोण का मान उसके पूरक कोण से 18 डिग्री कम है, द मेजर ऑफ एंगल इज 18 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो वैल्यू ऑफ एंगल कितना होगा। समझ गए बात को, सवाल में बोला गया मेजर ऑफ एन एंगल इज 18 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब मान लो ये यहां पर थीटा है और बोला गया है कि इसका जो मान है ना, इसका जो मान है इसके कॉम्प्लीमेंट्री से, इसके कॉम्प्लीमेंट्री यानी इसके पूरक से कितना कम है, तो इसके पूरक से 18 कम है। बोला गया ना द मेजर ऑफ एन एंगल, मतलब थीटा का जो मान है वो इसी के पूरक कोण से 18 डिग्री कम है। अब अगर मान बताओ कोई एंगल अगर थीटा है तो उसका पूरक कोण कितना होगा, थीटा का पूरक कोण कितना होगा, तो बोलोगे सर थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा होगा। होगा, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा होगा। और सवाल में बोला गया है इस वाले कोण का मान इसके पूरक से कितना डिग्री कम है, तो इसके पूरक से 18 डिग्री कम है। इसके पूरक से कितना डिग्री कम है, 18 डिग्री। बोला गया है द मेजर ऑफ ए एंगल इज 18 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, किसी कोण का मान यानी इस कोण का मान इसके पूरक से 18 डिग्री कम है। ठीक, तो यहां पर कायदे से थोड़ा लिख लेते हैं, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो गया, और इसमें से कितने की कमी है, तो इसमें से 18 की कमी है, 18 डिग्री। अब ये माइनस थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस थीटा हो जाएगा, और 90 में से 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यहां पर थीटा का मान कितना आएगा, थीटा का मान 36 डिग्री। सवालों में हेर फेर हो सकता है ताकि आपके कंसेप्ट को हिलाया डुलाया जा सके, लेकिन आप बहुत होशियार बच्चे हैं, और चूंकि आप होशियार बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे, आप बहुत आसानी से, बहुत सावधानी से सवाल को बना पाएंगे। बहुत बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि सर यहाँ पर 54 डिग्री होगा, 54 डिग्री क्यों होगा मेरे भाई, ठीक है, 54 डिग्री क्यों होगा, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 18 डिग्री, हाँ 18 डिग्री लेस देन मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 36 डिग्री आंसर होगा। यही तो एग्जामिनर आपसे गलती करवाता है, आप 54 देते हैं, अरे खुद बोलो कि एक कोण का मान उसके कोटिक पूरक से 18 डिग्री कम है, तो आप तो ऐसे भी सवाल को अगर टिक करते तो 45 से नीचे वाला ऑप्शन टिक करते, 45 से ऊपर तो टिक ही नहीं करते, क्योंकि वो खुद कोण अपने पूरक से कम है। जैसे मानो अगर ये कोण 36 है तो ये वाला कोण क्या हो गया, 36 हो गया। अगर 36 हमारा करेक्ट
करेक्ट आंसर है तो 36 हो गया, 36 का पूरक कितना हो गया, तो 36 का पूरक 54 हो गया, और बोला गया है ये वाला कोण अपने पूरक से कितना कम है, तो 54 से ये 18 कम है, तो 54 तो इसका पूरक है लेकिन हमें उस कोण का मान बताना था, तो उस कोण का मान 36 होगा, कि ये कोण अपने पूरक से 18 कम है, मतलब इस कोण का मान 36 है। समझ गए बात को, समझ गए कि नहीं समझ गए बोलो। तो आंसर तो ऐसे ही 36 होगा, फालतू का 54 आंसर दे रहे हो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए सवाल में, सवाल में क्या बोला गया है कि एक पहिया प्रति मिनट 15 चक्कर लगाता है, 7 सेकंड में पहिए के चक्र द्वारा बनाया गया कोण रेडियन में ज्ञात करें। अब देखो क्या होता है कि अगर आप बोलेंगे सर एक पहिया एक चक्कर लगाए, तो एक पहिया एक चक्कर में पूरा 360 डिग्री का कोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो बोलोगे हाँ सर। एक पहिया जैसे साइकिल को घुमाओगे, एक चक्कर पूरा पहिया लगाया, एक चक्कर लगाने का मतलब क्या हुआ, हाँ कोटि पूरक नहीं दिया गया है, कोटि वर्ड को हमने काट दिया यहां पर, ये कोटि वर्ड जो है ये गलत है, कोटि नहीं होगा यहां पर, सिर्फ पूरक होगा, सिर्फ पूरक होगा, ये कोटि जो है ट्रांसलेशन की गलती है। चलिए अब यहां पर देखिए सवाल में, यहां पर बोला गया है कि एक पहिया कितना चक्कर, देखो एक पहिया जब एक चक्कर लगाता है तो वो पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है, बनाता है कि नहीं बनाता है, तो बोलेंगे हाँ सर, ठीक है। और हमें पता है कि पाई जो होता है रेडियन में, पाई जो होता है जनाब, पाई रेडियन में कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर, यानी 180 डिग्री का मान होता है एक पाई, और पहिया कितना चक्कर लगाता है 360 डिग्री, तो 180 का मान अगर पाई है तो 360 का मान कितना होगा, 360 का मान 2 पाई होगा। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक पहिया अगर एक चक्कर लगाए तो डिग्री में वो 360 डिग्री लगाएगा और वहां पर रेडियन में वो 2 पाई वैल्यू तय करता है, कितना तय करता है, 2 पाई वैल्यू तय करता है। तो सवाल में आपको बोला गया है कि एक पहिया 15 चक्कर लगाता है एक मिनट में, ठीक है, तो वो बताओ एंगल रेडियन में कितना बनाएगा, पहली बात 7 सेकंड में, तो 7 सेकंड को गोली मारो यहां पे। पहले हम यहां पर ये देख लेते हैं कि वो कितने चक्कर लगाएगा, तो आप बोलोगे सर देखो 60 मिनट में जो है वो 60 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, तो 60 मिनट में वो 15 चक्कर लगा रहा है, कितने चक्कर 15 चक्कर, सॉरी 60 मिनट नहीं 60 सेकंड में, यहां पर 60 सेकंड में वो कितना चक्कर लगा रहा है, तो 60 सेकंड में वो 15 चक्कर लगा रहा है। 60 सेकंड में अगर उसके 15 चक्कर लग रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर वो एक सेकंड में कितना लगाएगा, तो 15/60 लगाएगा, लगाएगा कि नहीं, एक सेकंड में अगर 15/60 लगा रहा है तो 7 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, तो बोलोगे सर अगर एक सेकंड में इतना लगा रहा है तो 7 सेकंड को निकालने के लिए क्या करो, 7 से गुना, 15 से काटोगे तो 4 बार में, यानी 7/4 चक्कर वो लगाएगा, 7/4 चक्कर वो क्या करेगा, लगाएगा। समझ में आ गया बात, 60 सेकंड में 15 चक्कर, तो आप बोलेंगे कि 7 सेकंड में कितना चक्कर, तो 7 सेकंड में 7/4 चक्कर, ये बात आपका तय हो गया, कितना चक्कर, तो 7/4 चक्कर। अब यहां पर ये लाइन को आप इधर ही रहने दो, दूसरे लाइन को आप समझो, तो आप बोलोगे सर एक चक्कर में जो वो कोण लेता है 360 डिग्री, और 360 होता है 2 पाई के, तो आप बोलोगे सर एक चक्कर में जो वो कोण तय करेगा वो कितना तय करेगा, तो एक चक्कर में वो 2 कोण तय करेगा, 2 पाई, ठीक है, एक चक्कर में जो कोण तय करेगा वो 2 पाई का करेगा, तो 7/4 में कितना तय करेगा, तो 2 पाई को कितने से गुना करना है, 2 पाई को 7/4 के साथ, 2 से आप 2 काटिए, कितना उत्तर आ जाएगा, 7/2, कितना आ जाएगा उत्तर आपका, 7/2, तो आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। 60 सेकंड में 15 चक्कर, तो 7 सेकंड में 15/60 इंटू 7 यानी 7/4 चक्कर, एक चक्कर में 2 पाई, तो 7/4 चक्कर में कितना, 7/2, ठीक है, ध्यान रहेगा, कोई परेशानी बताओ, आप लोग तो होशियार बच्चे हो गए हो। चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखो भाई, 46 नंबर क्वेश्चन देखो, 46 में क्या बोला गया है, बोला गया है कोण पी का संपूरक कोण 12a+4 डिग्री है, और यहां कोटि पूरक ना कहके आप यह भी कह सकते हो, कोटि पूरक ना कहके, देखो कोटि पूरक भी कहा जाता है और पूरक भी कहा जाता है, तो आप यहां पूरक ही लिख लो तो ज्यादा बेहतर है, कि उसका जो पूरक है वो कितना है, उसका जो पूरक है वो 6 से है, सवाल में उसका पूरक कितना दिया गया, 6 से, तो पी का मान क्या होगा, थोड़ा सा सवाल में आपको घुमाया गया है, सवाल पढ़ोगे तो मजा आएगा, अरिथमेटिक का क्वेश्चन ही बन जाता है, ठीक है।
ठीक है। तो चलिए सवाल को देखिए, यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल पी कितना है, तो 12 ए प्लस 4 है, और कॉम्प्लीमेंट्री कितना है पी का, तो इतना है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कोण का, जैसे मानो ये एंगल पी है, तो एंगल पी का सप्लीमेंट्री क्या होगा, आप मुझे खुद बताइए। एंगल पी का सप्लीमेंट्री यानी एंगल पी का संपूरक क्या होगा। जैसे अगर मानो मैं कहता हूँ थीटा, तो थीटा का जनाब पूरा कोण क्या होता है, थीटा का पूरा कोण क्या होता है, तो बोलेंगे सर थीटा का पूरा कोण 90 माइनस थीटा होता है। और थीटा का संपूरक क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, तो थीटा का संपूरक होता है किसी भी कोण का, अगर पूरक निकालना है तो 90 से घटा दो, और किसी भी कोण का संपूरक निकालना है तो उसको 180 में से घटा दो। यही बात तो है भाई। तो यहां पर बोला गया है पी का जो संपूरक है, यानी पी का संपूरक कितना होगा, तो पी का संपूरक 180 माइनस पी होगा। 180 माइनस कितना होगा, पी होगा, और वो बराबर होगा किसके, तो वो बराबर होगा हमारा 12 ए प्लस 4 डिग्री के। 12 ए प्लस कितने डिग्री के भैया, 4 डिग्री के, ठीक है। कोई समस्या की बात, यहां से पी का मान निकल सकता है, तो बिल्कुल 180 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 176 डिग्री, और यहां से आप घटा देंगे 12 ए, तो ये मान हो जाएगा किसका, पी का। पी को उधर भेजो, 4 को इधर लेकर आओ, पी का मान आपका आ चुका है। फिर उसके बाद आपसे सवाल में बोला गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी, किसी भी कोण का, किसी भी कोण का आपको अगर बात करेंगे पूरक कोण क्या होता है, तो उसको 180 में से घटा दो, ठीक है, उसको, हाँ उसको 90 में से घटा दो। किसी का भी कॉम्प्लीमेंट्री पता करना है, 90 से घटा दो, तो पी का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 माइनस पी, और वो बराबर होगा तो किसके, एंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी इज मेजर इज 6 से, कितना है भैया, तो इसका मान कितना है हमारा, 6 से है। पी को उधर भेजिए तो हो जाएगा 90 माइनस 6 से, 90 माइनस 6 से किसका बराबर हो जाएगा, पी के। अब खुद देखो पी का मान यहाँ इतना है और पी का मान यहाँ इतना है, जब आप इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आपको ए का मान चला आएगा, बताओ, ठीक है। आप पहले वाले को भी बराबर करो, आप दूसरे वाले को भी बराबर करो, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। तो दोनों को बराबर करोगे तो बोलोगे सर 176 जो है, दोनों को बराबर करो तो बोलोगे सर 176 माइनस 2a जो है वो बराबर होगा कितने, 90 माइनस 6a के, ठीक है। तो 176 में से आप 90 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 86 हो जाएगा, और ये 2a जो है, गड़बड़ तो नहीं किया ना हमने, 176 माइनस 2a नहीं है, यहाँ 12a है, ठीक है, 116 माइनस 12a है, ठीक है। तो यहाँ इसमें से 90 से घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा, और 12 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, ठीक, 6 और 9 8 17, 6 से का मान कितना आ जाएगा, तो 6 से का मान जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, तो 86 डिग्री आ जाएगा। सवाल में हमसे बोला गया है पी का मान बताओ, तो 90 में से 6 से घटा दो, और 6 से का मान कितना है, 86 डिग्री, तो 90 में से 86 घटा दोगे तो पी का मान कितना आएगा, 4 डिग्री जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 4 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए, जैसे यहां पर बोला गया था कि जो पी का संपूरक होगा, तो पी का संपूरक कितना है, तो पी का जो संपूरक है वो 180 माइनस पी बराबर है किसके, 12 ए जमा 4 के। तो 180 में से 4 घटाया, 176 माइनस 12 पी का मान आ गया। फिर पी का जो पूरक है यानी 90 माइनस पी बराबर है किसके, 6 ए के। तो हमने यहां पर 6 ए इधर लेके चले गए, पी इधर लेके आ गए, पी का मान इतना, पी का मान इतना, दोनों को हमने क्या किया, बराबर कर दिया। 176 माइनस ए बराबर होगा 90 माइनस इतना है के, 76 में से घटाया 86, यानी ये 6 ए का मान हमें इतना आ गया। अब हमें मान लो अगर वैल्यू पता करनी है, तो अगर 6 ए का मान इतना है तो या तो यहाँ 12 ए का मान रख देंगे तो पी का मान पता चल जाएगा, या यहाँ 6 ए का मान रख देंगे तो पता चल जाएगा। 6 ए का मान अगर 86 है तो 90 में से 86 को घटा दीजिए, पी का मान कितना आएगा, 4 डिग्री आएगा, 4 जो होगा वो आंसर होगा। सागर आपकी बात को हमने समझ लिया है, तो एक ही कमेंट को 50 बार ना लिखें, ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली है और वो बात हो जाएगी, ठीक। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, देखो इस तरीके से बड़ा बेहतरीन बेहतरीन हमने डेटा सेट किया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के भाषा पर मेंस में तगड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मेंस में अगर तगड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उसके लिए अभी से प्रिपेयर रहो। भाषा का हेर फेर हो सकता है, सवाल बढ़िया बनाया जा सकता है, तो इसी तरीके से आप यहाँ सवाल में देखो बना सकते हो आप भी, ऐसा कुछ नहीं है। कोण पी का संपूरक का आधा उसके पूरक के 3 गुना के आधे से इतना कम है, कोण पी के संपूरक का 2 गुना तथा पूरक का आधा
आधा का योग रेडियन में क्या होगा, ये सवाल मैंने खुद बनाया है। ना ये किसी किताब में मिलेगा, ना कहीं कोई मॉक टेस्ट में मिलेगा, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। ये मेरा सेल्फ मेड क्वेश्चन है, ठीक है। जब शीट बना रहा था तो उसमें मैंने सोचा कि बच्चों को सिर्फ एक क्वेश्चन टफ बना के दिया जाए ताकि उनको मजा आ जाए, ठीक है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक, मतलब यूँ समझ लो, ठीक है। जितना हम खतरनाक इसको बना सकते थे उतना खतरनाक बनाए, और ऐसा नहीं है, इसमें अगर हम थोड़ी सी कलाकारी और करते तो इसको और भी खतरनाक बनाया जा सकता था। मैथ्स के सारे क्वेश्चन को खतरनाक मैं बना सकता हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट खतरनाक बनाना नहीं है, इम्पॉर्टेंट यह है कि आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो बस अभी एक ही क्वेश्चन खतरनाक बना के डाला है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पे, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे पेपर में इतना टफ आपके नहीं आने वाला है, परेशान मत हो, बहुत सरल प्रश्न आने वाला है, ठीक है। थोड़ा बहुत घुमा सकता है, लेकिन अगर मेंस में टफ आ गया तो क्या करोगे? अगर मेंस में बबुआ घुमा दिया पेपर में, तो राजा वही होगा ना जो इस बात को समझा है, ठीक है। वो थोड़ी होगा जिसको कुछ आता ही नहीं है। तो सवाल को समझो, बहुत प्यारा प्रश्न है, खूबसूरत प्रश्न है, और खूबसूरती से देखेंगे। जो सवाल है इसमें भाषा के हेर फेर का है और कुछ नहीं है, तो तोड़ो थोड़ा सा सवाल में। बोला गया है द मेजर ऑफ हाफ ऑफ सप्लीमेंट ऑफ पी। सबसे एक एक लाइन को जो तोड़ेगा ना, मैं आपको क्यों यहां सिखा रहा हूं, इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप एक एक लाइन को तोड़ना सीख जाए। सवाल में बोला है द मेजर ऑफ हाफ ऑफ सप्लीमेंट ऑफ पी, ठीक है। कौन पी का संपूरक का आधा, अब मुझे बताओ कौन पी का संपूरक कितना होगा? तो बोलोगे सर कौन पी का संपूरक 180 माइनस पी होगा, और उसका आधा कितना होगा, तो इतना होगा। पहली लाइन लिख दी मेजर ऑफ हाफ ऑफ सप्लीमेंट ऑफ पी, कौन पी के संपूरक का आधा, कौन पी का संपूरक का आधा, ठीक है। इज 19 डिग्री मोर देन, ठीक है, ये वाला जो कोण है ये 19 डिग्री ज्यादा है। 19 डिग्री किससे ज्यादा है? तो भैया देखो थ्राइस ऑफ हाफ ऑफ, ठीक है, थ्राइस ऑफ यानी तीन गुना ऑफ हाफ ऑफ, किसका भाई, किसका है? पहले तो तीन गुना है फिर आधा है, किसका? मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ पी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री कितना है, तो 90 माइनस पी। कहां सवाल टफ है? भाषा में तो आपको उलझाया हमने, ठीक है, लेकिन आप उलझे नहीं, आप तो होशियार निकल गए, आप तो सवाल को पहले बना लिए। बोले सर कौन पी के संपूरक का आधा, कौन पी के संपूरक का आधा, उसके पूरक के, यानी कौन का पूरक कितना है, इतना के तीन गुना, इसका तीन गुना से, ठीक है, तीन गुने के आधा, देखो इसका तीन गुना का आधा, आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसका जो है, ठीक है, ये पूरा कोण है और इसका तीन गुना और फिर उसका आधा से कितना ज्यादा होगा, 19 डिग्री ज्यादा होगा, ये सवाल में आपको बोला गया है। और तब आपसे पूछा गया है क्या, वो बाद में देखेंगे। तो कुछ भी पूछा जाएगा उसके लिए पी का तो मान जो है वो समझना जरूरी है कि यहाँ पी का मान आएगा तो आएगा कितना। मुझे दिख रहा है यहाँ बट्टे में दो है, यहाँ भी बट्टे में दो है, तो मैं बोलता हूँ एक काम करो, सबको यहाँ पर दो से गुना कर दो। दो से गुना करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ वाला दो कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 180 माइनस पी। दो से गुना करोगे तो 19 का दोगुना हो जाएगा 38, ठीक है। यहां दो से गुना करोगे तो जब इसको दो से गुना करोगे तो ये वाला दो इस वाले दो को काट देगा, तो यू समझ लो इसका दो गायब हो जाएगा। दो गायब हो जाएगा तो बचा कितना रहेगा, तीन, और ये तीन गुना करेगा तो गुना करेगा तो 3 × 90 कितना हो जाएगा, 270 डिग्री, और माइनस कितना हो जाएगा, 3p के, ठीक। अब ये 3p इधर आएगा तो 3p में से p जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 2p बचेगा। 270 और 30 कितना, 308, और 308 में से 180 को घटा दो तो बोलोगे सर 128 आएगा, आप जोड़ के देख लो, ठीक है। 270 में 30 जोड़ो 308, 360 में 8 में से 180 को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 128। 2p का मान कितना है, तो 2p का मान 128 है, तो p का मान कितना हो जाएगा, तो p का मान हमारा 64 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा अभी तक पी का मान आया है, हमारा क्या आया है, पी का मान आया है। अब सवाल में बोला गया है व्हाट इज द सम, ठीक है, इन रेडियंस ऑफ, हमसे पूछा गया है रेडियंस में किसी भी एंगल का कुछ सम वम पूछा गया होगा, तो देखते हैं भैया सम में ये लोग क्या पूछे हैं, किसका सम पूछे हैं। मेजर ऑफ ट्वाइस ऑफ सप्लीमेंट एंड हाफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी, ठीक है, किसका किसका सम पूछे हैं, तो दोगुना, किसका दोगुना पूछे हैं, सप्लीमेंट, सप्लीमेंट किसका यानी संपूरक पी का, और तथा आधा किसका, तो पी का कॉम्प्लीमेंट का। इन दोनों का पहले क्या पूछा गया है, देखो व्हाट इज द सम इन रेडियंस ऑफ मेजर ऑफ ट्वाइस ऑफ सप्लीमेंट ऑफ पी एंड हाफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये, कौन पी के संपूरक का दोगुना, ये कौन पी का संपूरक है, इसका दोगुना, तथा
पूरक का आधा, तथा पूरक का आधा, और ये किस में बताना है, तो ये डिग्री में भी नहीं बताना है, ये रेडियन में बताना है। तो अगर हमें पी का मान पता चल गया तो हम इसका मान पता कर सकते हैं। तो खुद देखो, अगर पी 64 है तो उसमें से 180 घटा दो तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 116 डिग्री, ठीक है, 116 घटा दो, 180 देखो 10 में से 6 गया 4, और 7 में से 6 गया 116, और 116 का दोगुना कितना हो जाएगा? तो 116 का दोगुना हो जाएगा 232, 90 में से आप घटा दो 64 को तो 26 आएगा, ठीक है, और 26 का आधा कितना होगा? तो 13 होगा, 232 और 13 कितना हो जाएगा? तो 245 डिग्री। लेकिन सवाल में हमें ये डिग्री में नहीं दिया गया है, सवाल में हमें ये रेडियन में दिया गया है। अब यही सवाल अगर रेडियन में दिया गया है तो कैसे बताओगे? तो अभी कन्वर्ट करना बताया था कि नहीं बताया था? बोलो हाँ या ना, बताया था कन्वर्ट करना? तो बोलोगे हाँ सर बताए थे। कैसे बताए थे, क्या बताए थे, सोचो। तो आपको बोला था हमने कितना बताने को, कि जो पाई होता है वो कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। यानी एक डिग्री का मान जो होगा वो कितना होगा? एक डिग्री का मान पाई बटे 180 होगा। अगर एक डिग्री का मान इतना है तो हमें तो 245 का बताना है, तो इसको हमें कितने से गुना करना पड़ेगा? 245 के साथ। आप 5 से काटोगे तो 5 से आपको कटेगा कितनी बार में? 5 4 9, 5 से काटो तो 5 का 3 गुना 15, ठीक है, और 5 6 30 हो जाएगा, 36 5 180 हो जाता है, 5 चौके ठीक है 20 और 5 नवा 45, 49 पाई बटे 36 आएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा कि वो क्या होगा? ए। और 49 पाई बटे 36 जो होगा वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, ठीक है। एक एक चीज तोड़ना है सवाल में, देख के डरना नहीं है, डर गया सो मर गया, बस ये कहानी समझ लो, जो डर गया सो वहीं पर मर गया, वहीं पर धाराशाही हो गया। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे बोला गया था कि इस कोण के संपूरक का आधा इस कोण के पूरक के 3 गुने के आधे से 19 ज्यादा है, तो पी का मान निकल गया। उस कोण के संपूरक का दोगुना और उस कोण के पूरक का आधा का योग बताइए रेडियन में। योग निकाला 245 और रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाओ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाओ। 48 पे बोला गया है कि यदि एक ट्रांसवर्सल जो है चार पैरेलल रेखाओं को काटती है, देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एंगल सो फॉर्म्ड, कितने जगह पर कोण बनेगा? एक ट्रांसवर्सल कितने जगह चार सीधी रेखाओं को ऐसे काट रही है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, यदि कोई तिर्यक रेखा चार सीधी समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो इस प्रकार बने कोण के अलग अलग मानों की संख्या क्या होगी? कितने तरह के अलग अलग मान बन सकते हैं? जैसे यहां पर कोण कितने बनेंगे, तो आप अगर गौर फरमाएंगे तो एक यहां, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल मिलाकर 16 कोण बनेंगे। लेकिन बहुत मजा आया इस क्वेश्चन में, क्या बात है ललन कुमार, बहुत अच्छे। अब सवाल में जैसे आपको बोला गया है कितने तरह के अलग अलग मान संभव हैं, तो भाई मेरे भले कोण तो आपको इतने तरह का बनेगा 4 × 4 = 16, लेकिन जो कोण के मान पूछे गए हैं वो देखो। जैसे अगर मानो आप इसको 10 डिग्री रखते हो, तो अगर ये वाला कोण 10 डिग्री है तो ये वाला कोण हो जाएगा आपका 170 डिग्री, फिर अगर ये 70 है तो ये हो जाएगा आपका 10 डिग्री, फिर ये 10 है तो ये हो जाएगा 170 डिग्री, फिर अगर ये 70 है तो ये हो जाएगा 10 डिग्री, ये 10 है तो ये हो जाएगा 170। यानी कोण के सिर्फ दो ही तरह के मान संभव हैं। जब भी दो समानांतर रेखाएं कटती हैं, जब भी दो समानांतर रेखाएं कटती हैं तो दो ही तरह के कोण बनते हैं। यहां यह नहीं पूछा गया है कि कितने कोण बनेंगे, ये बात को समझिए। सहवाल में अगर हमसे ये पूछा जाता कितने कोण बनेंगे तो हम बोलते 4 8 12 16 12 16 कोण बनते, लेकिन सवाल में यह पूछा गया है कितने तरह के कोण बनेंगे, कितने तरह के अलग अलग कोण बनेंगे, ठीक है। देन द डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एंगल्स, ठीक है, तो इस प्रकार बने कोणों के अलग अलग मानों की संख्या क्या होगी? तो एक अलग मान ये है और एक अलग मान ये है, बस यही दो अलग अलग तरह के बन सकते हैं, तो इसका उत्तर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दो ही तरह के अलग अलग कोण बनाए जा सकते हैं, इस बात को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया है देयर आर 5 लाइन इन अ प्लेन, किसी भी प्लेन में कितने लाइन है? तो 5 रेखाएं हैं, जिसमें से कोई भी दो रेखा पैरेलल नहीं है, तो कितने पॉइंट पर वो प्रतिच्छेदित करेंगे? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मानो, अगर मान लो कल के दिन मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया जो मैंने एकदम फोन में रखा हुआ है आपके लिए,
ताकि आप उसको समझ पाओ। तो ये सवाल में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि कोई भी एक प्लेन है, और इस प्लेन में क्या हो गया, इस प्लेन में कोई भी दो रेखाएं हैं, और दो रेखाएं ऐसी हैं जो समानांतर नहीं हैं, दो रेखाएं ऐसी हैं जो समानांतर नहीं हैं, तो वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेंगी? तो आप बोलेंगे कि सर ये कम से कम देखो ये दो रेखाएं हैं और समानांतर नहीं है, तो ऐसी कितने बिंदु होंगी जो काटेंगी? तो दो रेखाएं समानांतर नहीं है, खींचोगे तो एक बिंदु पर काटेगी, काटेगी कि नहीं काटेगी? अब मान लो यहां पर ये दो के जगह पर तीन रेखाएं मैंने दे दी, एक रेखा ये हो गई, दो हो गई, और ये मान लो तीसरी रेखा हो गई, तीनों में जो है कोई भी किसी के समानांतर नहीं है, तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पर, ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट पर काटेंगे? तो बोलोगे कि सर ये ज्यादा से ज्यादा काटने की बात है। तो ज्यादा से ज्यादा का मतलब पता है क्या होता है? जैसे मान लो आपने वो स्टोरी सुनी है कि एक पार्टी में जैसे मान लो चार व्यक्ति हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बार हर व्यक्ति किससे हाथ मिला सकता है, या ऐसे समझ लो, मतलब ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप बचपन में पढ़े होंगे परम्यूटेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो ये वहां का सवाल कि ज्यादा से ज्यादा काटना है, ज्यादा से ज्यादा काटना है, तो एक यहां पर कटेगा, यहां कटेगा, यहां, तो भैया ये तीन लाइन के लिए संभव है, चार रेखाएं अगर हो गई मान लो, कैसे काटोगे, किसके साथ किसको काटोगे? तो बोलोगे पहले और दूसरे को आपस में काटेंगे, ठीक है, फिर तीसरे और चौथे को आपस में काटेंगे, और फिर इन दोनों को आपस में काट देंगे। ये कहानी चलते रहेगी, इससे भी बड़ा खतरनाक केस बन सकता है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या ध्यान रखना होता है, ऐसे केसेस में हम सीधा कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, और कॉम्बिनेशन में सीधा आंसर दे सकते हैं। ये सीडीएस में ज्यादातर पूछा गया प्रश्न होता है, ठीक है, एसएससी में अभी तक आया नहीं है, लेकिन पूछ सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट विच दे कैन इंटरसेक्ट। तो आपको सिंपल एक काम करना है, कितनी रेखाओं की बात हुई है, तो पांच लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, और जब वो काटते हैं तो काटने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता पड़ती है, दो, तो यहां पर दो लिखेंगे। जैसे बचपन में अपन लिखते थे ना, कुर्सी चार है, बैठने वाले तीन लोग हैं, तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके में हम क्या लिखते हैं, बोलते हैं पांच कुर्सियां हैं और बैठने वाले कम से कम इस तरीके से पांच लाइन है और काटेंगे दो। तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, और फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला में आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर हमसे मान लो, अगर हमसे मान लो यहां पर ये कहा जाता है एन सी आर, तो एन सी आर का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है एन फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाई आर का मतलब होता है आर फैक्टोरियल, और इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, इंटू क्या होता है एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। और जैसे अगर मानिए हमने चार फैक्टोरियल लिखा है, तो चार फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, चार फैक्टोरियल का मतलब एक इंटू दो इंटू तीन इंटू चार, ठीक है। कल के दिन अगर मान लीजिए हमने पांच फैक्टोरियल लिखा है, तो पांच फैक्टोरियल का मतलब एक से लेकर पांच तक हमें गुना करना है, ठीक है। अगर हमने कल के दिन मान लीजिए तीन फैक्टोरियल लिखा है, तो तीन का मतलब एक इंटू दो इंटू तीन होता है। तो उसी तरीके से जैसे हमसे सवाल में बोला गया है, तो पांच लाइनों की आवश्यकता है और काटने के लिए दो लाइनें चाहिए, तो एन फैक्टोरियल है, तो एन फैक्टोरियल ऊपर आएगा, फिर पांच में से दो गया तो मतलब तीन फैक्टोरियल आएगा, और फिर यहां कितना फैक्टोरियल आएगा, दो फैक्टोरियल, ठीक है। पांच फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे सर एक से लेकर पांच तक का गुना, ठीक है, एक से लेकर पांच तक का गुना। तीन फैक्टोरियल का मतलब होता है एक से लेकर तीन तक का गुना। दो फैक्टोरियल का मतलब होता है एक से लेकर दो तक का गुना। एक दो तीन से एक दो तीन खत्म हो जाएगा, दो से इसको दो बार में काटोगे, पांच इंटू दो कितना हो जाएगा, दस उत्तर आएगा, टेन इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे रविकांत शर्मा, आरती पटेल, सभी बहुत शानदार, सभी के उत्तर सही हैं। तो ये बात समझ में आया, पांच रेखाएं हो गई और काटने के लिए दो जरूरी है, 5C2, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। कल के दिन यहाँ आठ लाइनें दी जाएंगी तो 8C2 आंसर होगा, चार लाइनें दी जाएंगी तो 4C2 आंसर होगा, तीन लाइनें दी जाएंगी तो 3C2 आंसर होगा, इस तरीके से आप आंसर कर पाएंगे। तो आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो होता है आपका शीट खत्म होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 50, और ये आखिरी सवाल, आखिरी सवाल में देखिए, आखिरी सवाल बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल बोला गया है कि यदि LM जो है कोई लाइन है और P जो है यहाँ पर कोई पॉइंट है जो LM पर लाई नहीं करती है, तो बताओ नंबर ऑफ लाइन जो है वो, देन द नंबर ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू LM एंड पासिंग थ्रू P, मतलब एक एक बात को हम यहाँ तोड़ते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। बोला गया यदि LM कोई रेखा है, तो मान लो ये हमारी रेखा है जिसका नाम क्या है, LM नाम है, फिर उसके बाद बोला गया और P कोई ऐसा बिंदु है जो LM पर स्थित नहीं है, तो मान लो हम P नाम के बिंदु को कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। P एक ऐसा बिंदु है जो LM पर स्थित नहीं है, तो
पी से होकर गुजरने वाली एलम पर लंबवत कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। पी से तो एलम पर ये भी रेखा जा सकती है, ये भी जा सकती है, ये भी जा सकती है, ये भी जा सकती है और ये भी जा सकती है, लेकिन लंबवत रेखा की बात हुई है। लंबवत का मतलब क्या है? तो लंबवत का मतलब 90 बनाने वाला। तो किसी भी बिंदु से अगर इस रेखा पर जाएगा तो एक ही ऐसा लाइन होगा जो 90 डिग्री बनाएगा। तो आंसर कितना होगा? ओनली वन। चलिए, तो यहीं तक जो होता है हमारा सवाल सारा खत्म होता है। मुझे लगता है आप लोगों को हर बात जो है वो समझ में आई है काफी अच्छी तरीके से। सवालों पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगली क्लास में हम ट्रायंगल शुरू करेंगे, तो इसकी जो क्लास नोट्स है वो मैं अपलोड करवा दूंगा आप लोगों को, और ट्रायंगल की जो शीट है वो भी आप लोगों को पूरी तरीके से कल मिल जाएगी। ठीक है, दिवाली की छुट्टी कब होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो अभी अच्छे से आप पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो भाई। ठीक, चलो, ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, बाय।